नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैजेट टेक इन्फो में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन गैजेट लेकर आया हूं, जो कि है प्रेस्टीज कंपनी का वाटर प्यूरीफायर नॉन इलेक्ट्रिक। बहुत ही बेहतरीन गैजेट है दोस्तों, और आपके खास तौर पे विलेज एरिया पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो फटाफट मैं इसे आपके लिए अनबॉक्स भी कर रहा हूं और इसके डिटेल्स भी आपको बता रहा हूं। यह प्यूरीफायर हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और बॉक्स हमको डिलीवर हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने फटाफट इसके बॉक्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया है और इसका लुक आपके सामने हम जल्दी ही दिखाने वाले हैं। अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यह 18 लीटर कैपेसिटी का है, और मैं आपको इसको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि किस वाटर प्यूरीफायर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके पहले मैंने टाटा स्ट्रक्चर का प्यूरीफायर जो है उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए फटाफट हम इसको कार्टून से निकाल के ओरिजिनल बॉक्स आपके सामने पेश करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है और इसके बॉक्स की सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा मैं, कि क्या क्या इसमें मेंशन है। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स से दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर लगभग 2800 रुपये का प्राइस टैग लगा हुआ है और यह मॉडल भी 2023 का ही है। कंपनी इसकी मेड इन इंडिया है, प्रेस्टीज एक इंडियन कंपनी है। नीचे इसके सर्विस सेंटर का नंबर भी दिया हुआ है और इसकी कुछ फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें स्पेस सेविंग डिजाइन है, रिमूव बैक्टीरिया वायरस, इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड का एक टैग भी ये बोल रहे हैं कि इन्हें मिला हुआ है। यहाँ पे 1500 लीटर वाटर कैपेसिटी का इन्होंने फिल्टर लगा रखा है। तो फटाफट मैंने आपको बॉक्स दिखा दिया है, अब मैं चाहूँगा कि इसे ओपन करके आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर का जो फिल्टर है वो कैसा है, इसको कैसे सेट करना है, कैसे देखने में आपको किस तरह का दिखाई देता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स से बताऊँगा यहाँ पर। और दोस्तों, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो लगभग मैंने इसे 1 मंथ यूज कर लिया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्यों आपको परचेस करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और टाटा स्वच्छ और इसमें क्या डिफरेंट है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब मैं इसे फटाफट ओपन करता हूँ, निकालता हूँ इसकी एक्सेसरीज बाहर, उसके बाद फिर हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ इस तरह से इन्होंने अपने सारे पार्ट्स अलग अलग पैक करके रखे हुए हैं, जिसके अंदर आपको मैनुअल बुक वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। यह इसका नलका है, जैसे आप टोटी बोलते हैं, यूपी में टोटी काफ़ी प्रचलित है, टोटी आप संभाल कर रखिए घर में। तो यह एक मैनुअल बुक है, इसमें इसके फंक्शन फीचर्स और सेटिंग के बारे में सब आपको बताया गया है। आप इसी को देख के इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारा वीडियो देख के तो और आसानी से इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। यह इसका वाटर टैंक है और इसी के अंदर आपको इसके फिल्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो यह इसका टैंक है और वह ऊपर का टैंक था। टैंक दो हिस्सों में है, एक नीचे का टैंक, एक ऊपर का टैंक, यानी एक में आपका नॉर्मल पानी रहेगा और दूसरे में वह पानी फिल्टर होकर स्टोर होगा, जिसको आप फिर टोटी से बाहर निकालेंगे। तो इसमें प्रेस्टीज का स्टिकर लगा हुआ है, क्लीन होम लिखा हुआ है, और जैसा कि एक प्यूरीफायर सिस्टम है तो ज़्यादातर आपको उसी से मिलते जुलते कंटेंट इसमें लिखे हुए मिलेंगे। तो हमने इसके तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है और अब हमें सेट करना है। तो यहाँ पे इसका फ़िल्टर सेट करना है, जो इसके साथ हमें दिया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, इसका फ़िल्टर इसके अंदर ही है, उसे भी बाहर निकाल लेते हैं और इसका फ़िल्टर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट हम इसका फ़िल्टर निकाल लेते हैं, और ये वही नंबर है, वही इसमें फ़ीचर्स लिखे हुए हैं जो बॉक्स में लिखे हुए थे, और जो कुछ आपका बॉक्स में मेंशन है लगभग कुछ चीज़ें उसी से रिलेटेड इस टैंक में भी मेंशन है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो ये फर्स्ट फ़िल्टर होगा एक, जो आपको कप दिख रहा है ये ऊपर सबसे फर्स्ट में लगेगा, और ये एक फ़िल्टर है जिसमें मुझे एक कार्बन का पेपर टाइप का अंदर से लगा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कुछ खास है। हालाँकि टाटा स्वच्छ का फ़िल्टर इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वो इस प्यूरीफायर के अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अभी मैं और भी आपको दिखाऊंगा और भी बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा तो फ़िल्टर का फ़र्क है, उसका फ़िल्टर इसका फ़िल्टर बहुत अलग है। ये मुझे बहुत साधारण फ़िल्टर लग रहा है, इस फ़िल्टर से सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है आपके पानी से बालू के मिट्टी के छोटे कणों को रोक दे, वैसे नहीं लगता कि किसी तरह के बैक्टीरिया को रोक पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेट भी करता जा रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि इसको किस तरह से सेट करना है, ताकि आप आसानी से इसे सेट कर सकें अपने घर पे। टाटा स्वच्छ आपको थोड़ा इससे महंगा पड़ेगा, लगभग इसी रेट का 1800 रुपये में आपको टाटा स्वच्छ का हो सकता है कि 18 लीटर कैपेसिटी ना मिले, लेकिन अगर आप टाटा स्वच्छ लेते हैं तो वो इससे ज़्यादा बेटर होगा। मैंने इसका फ़िल्टर देख के ही आपको बता दिया कि दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसका फ़िल्टर भी हम फटाफट इंस्टॉल कर देते हैं। हालांकि अगर आपके पास पानी पहले से ही अच्छा शुद्ध आ रहा है और आपको किसी तरह के मिट्टी या धूल के कण की समस्या है, बालू के कण की समस्या है, तो वैसे में फ़िल्टर आपके लिए उपयोगी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हटाए, वायरस हटाए, तो वो ये फ़िल्टर काम नहीं कर पाएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि ये कार्बन कागज़ से बना हुआ कागज़ का ही फ़िल्टर है,
और इसके अंदर कोई वैसा जैसे कि टाटा स्वच्छ के फिल्टर में हमने देखा था, उसे तोड़ के भी आपको दिखाया था, बहुत सारी लेड्स थी, चार्ज बेल कार्बन था, कोयला वगैरह बहुत कुछ था। और उसके बाद जो हमने उसका एक बड़ा फिल्टर लिया था 800 वाला, वो तो और ही अच्छा था, लेकिन ये मुझे फिल्टर बहुत साधारण लगा। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर देना है। आप देखते जाइए इसे सेट कैसे करना है, बहुत आसानी से फिल्टर सेट हो जाता है। इसका केवल आपको खोसते चले जाना है और पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है, अच्छा है देखने में। टाटा स्वच्छ प्यूरीफायर का जो मैंने लिया था उससे देखने में अच्छा लग रहा है। और जिसका जो मेन कप है दोनों का सेम ही है, आप इसमें पहले वाटर डालेंगे तो वैसे भी वो आपका वाटर पूरा क्लीन हो जाएगा, जिसमें से कि धूल के कड़ा वगैरह नीचे नहीं जा पाएंगे। वायरस तो ये दोनों मिलकर भी आपके हटा नहीं पाएंगे। हालांकि टाटा स्वच्छ जैसे 100 करोड़ वायरस हटाने का दावा करता है, तो 100 करोड़ ना सही लेकिन वो 50 करोड़ ज़रूर हटा देता होगा, और ये तो मुझे लगता है कि 50 वायरस भी नहीं हटा पाएगा। तो अगर आपको डिज़ाइन चाहिए और सिर्फ धूल के कणों से बचाव चाहिए, रेत के कणों से बचाव चाहिए, तो आप इस प्यूरीफायर का इस्तेमाल करिए, नहीं तो टाटा स्वच्छ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसका भी वीडियो और अनबॉक्सिंग और उसके कई तरीके के डिटेल्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। मैंने उसके कई तरह के फिल्टर और फिल्टर के अंदर क्या क्या है सारी डिटेल दिखाई हुई है। तो इसके टोटी कैसे फिट करना है ये भी आप देख लीजिए, बहुत आसान है, आसानी से आप इसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने लगभग इसको असेंबल कर लिया है, अब इस पर वाटर डालते हैं और वाटर प्यूरीफायर होने की स्पीड देखते हैं। फिल्टर की खासियत होती है कि जितना देर से पानी फिल्टर से होकर गुजरेगा उतना ज़्यादा प्यूरीफायर होगा, और जितनी जल्दी जाएगा उसके उतने ही कम प्यूरीफायर होने के चांस रहते हैं। तो मुझे देखना है कि ये किस तरीके से फिल्टर से होकर पानी नीचे जाता है, इसकी स्पीड क्या है, उसी से पता चलेगा कि किस तरीके से प्यूरीफायर कर रहा है। वैसे फ़िल्टर को देख कर मुझे अंदाज़ा है कि ये काफ़ी अच्छी स्पीड से नीचे जाएगा, ज़्यादा फिल्टर पानी को रोक नहीं पाएगा। आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छी स्पीड से नीचे जा रहा है। अगर आप नीचे का तला देखें तो कितना पानी इकट्ठा हो गया, अभी मुझे इसको डाले हुए कितने देर हुई होगी, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। और मैं इसे निकाल के भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक तरीके से एक पतली सी धार लगा के पानी नीचे जा रहा है, वहीं पे टाटा स्वच्छ में ये पानी काफ़ी टाइम लेके जाता है, बूंद बूंद करके एक एक नीचे टपकता है, वक्त लेता है, लेकिन वो पानी काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफायर रहता है। और जब ये पानी ही स्पीड से नीचे जा रहा है तो क्या ही फिल्टर में कुछ ज़्यादा प्यूरीफायर हो पा रहा होगा। तो प्रेस्टीज का फ़िल्टर क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसका डिज़ाइन अच्छा लगा, इसे आप रखेंगे आपके ऑफिस में, होम में और आपके किचन में अच्छा लगेगा। ये नॉर्मल पानी को काफ़ी हद तक आपका चेंज करके पीने लायक बनाया गया है। अगर आप विलेज एरिया में हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये वाटर प्यूरीफायर आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि धूल और रेत के कणों को तो ये बिल्कुल रोक ही देगा। लेकिन अगर आप सप्लाई का वाटर यूज करते हैं, आपके पास सप्लाई का पानी आता है, तो आप टाटा का प्यूरीफायर, टाटा स्वच्छ इस्तेमाल करिए या फिर कोई दूसरा प्यूरीफायर, कैंट वगैरह का इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करिए, क्योंकि उस पर कुछ खास असर ये प्यूरीफायर आपका नहीं डाल पाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके फ़िल्टर से की और डिटेल आप तक पहुंचा सकूं। इसके फ़िल्टर का भी मैं अंदर से पूरा तोड़ताड़ के एक फुल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। वाटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि किस तरीके का दिख रहा है मुझे, जिसका वाटर मैंने पहले डायरेक्टली देखा था और उसके बाद आपको फ़िल्टर वाला दिखाया। एक बार आपको भी दिखा देता हूँ, ये पहले वाला डायरेक्टली वाटर है और वो फ़िल्टर का था, दोनों में कोई फ़र्क मुझे समझ में नहीं आ रहा, सेम जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये वाटर प्यूरीफायर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।